खबर दिल्ली से आ रही है, जहां रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े शूट आउट हुआ है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शूट आउट में 3 से 4 लोगों को गोली लगी है और जो खबरें आ रही हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है, हालांकि अब तक पुष्टि नहीं हुई है। बताएं आपको कि पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था जितेंद्र गोगी और इसी दौरान ये शूट आउट हुआ जिसमें जितेंद्र गोगी की मौत हो चुकी है। और भी 3 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, हालांकि अब तक पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत की खबर है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को पेशी के लिए लाया गया था और इसी दौरान ये शूट आउट हुआ दिन दहाड़े दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे सहयोगी अमर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अमर, रोहिणी कोर्ट और दिन दहाड़े शूट आउट, ये तो कंफर्म बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हो गई है, कई और लोगों की भी मौत हुई है क्या? खबर जो आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जो सुबह में जैसे ही कोर्ट खुला था उसके बाद कहा गया 2 गुटों में आपस में फायरिंग हुई है और जिस फायरिंग में जितेंद्र गोगी जो है वो मारा गया है, वो भी गैंगस्टर ही थे। और ये कोशिश की जा रही है कि पुलिस की ओर से और तमाम जो वहाँ पे मौजूद है सिक्योरिटी गार्ड, वो तमाम लोग जो है इनको अरेस्ट करने के लिए और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक्टिव है, क्योंकि घटनास्थल पे अगर आप देखें तो तमाम बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता ये है कि देश की राजधानी दिल्ली और वो भी कोर्ट परिसर में अगर इस तरह की घटना है तो आप समझ सकते हैं कि ये गैंगस्टर या फिर क्रिमिनल या बदमाशों का जो मन कितना बढ़ा हुआ है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल पुलिस एक्टिव है, पुलिस आ चुकी है घटनास्थल पर और इसकी जांच की जा रही है और उन तमाम लोगों को पकड़ने की कोशिश है जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन एक बार फिर देखिए अमर, कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर ये शूट आउट ये इशारा कर रहा है, ये बता रहा है कि कितने मुस्तैद है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था। वकील के वेश में हमलावर घुसते हैं और पेशी पर लाए गए गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हालांकि खबर ये है जो बाकी 3 लोग मारे गए हैं वो हमलावर ही थे। क्योंकि आपसी रंजिश का ये गैंगवार है और सभी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहा ये भी जा रहा है कि जो लोग आपस में गिरे हैं वो दोनों जो है गैंगस्टर थे, यानी दोनों ही बदमाश थे और दोनों एक दूसरे को जान के प्यारे थे, जिस वजह से ये आपने देखा कि इसको अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे सवाल ये है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो कोर्ट परिसर की सुरक्षा है वो नाकाफी है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए, क्योंकि वकील हो या फिर जो भी अपराधी हो या फिर जो लोग कोर्ट में जाते हैं न्याय की गुहार लगाते हैं उनकी सुरक्षा चाक-चौबंद होनी चाहिए। लेकिन इस बात से यह उजागर हो गया कि दिल्ली जैसे शहर में अगर कोई गैंगस्टर कोर्ट में आकर के गोलीबारी करता है, क्योंकि अगर आप कोर्ट में प्रवेश करते हैं तो सभी जो गेट हैं, दरवाजे हैं, सभी जगह जो है वहाँ पर मेटल डिटेक्टर रखा हुआ है कि कोई भी अगर मेटल लेके आप जाते हैं तो उसकी जांच होती है और जो मशीन है वो उसकी सायरन देती है। क्या इस सायरन की आवाज नहीं सुनाई दी जो व्यवस्था में वहाँ पे लोग लगे थे या पुलिस कर्मी थी या सुरक्षा व्यवस्था जो करने के लिए तैनात किया गया था? क्या ये एक कह सकते हैं कि सुरक्षा में चूक है? या फिर अगर इस तरह की घटना घटती है तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में और दिल्ली देश की राजधानी में अगर इस तरह की घटना है तो और जगह की स्थिति क्या होगी? ये एक सवाल का सवाल या निशान है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आखिर ये लोग कौन है और क्यों ऐसा उन्होंने ऐसा किया है? और किसी को दिन दहाड़े अगर परिसर में गोली चलाते हैं या फिर मारते हैं आप समझ सकते हैं कि उनका मनोबल कितना हाई है। दिल्ली पुलिस कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था या फिर कहें कि सबसे बेहतर और एक्टिव माना जाता है, उसके बाद भी अगर आप गैंगस्टर होता है, गैंगवार होता है तो ये एक चूक है और इसमें तमाम लोग जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने गलती की है। एक 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 डाउट ये भी हो रहा है अमर कि देखिए जब कुलदीप के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई 2020 में गुरुग्राम से इसके सहयोगी कुलदीप के साथ गिरफ्तार किया गया था जितेंद्र, लेकिन जितेंद्र की आज जैसे हत्या की गई, लेकिन जब कुलदीप को गिरफ्तार किया गया था तो वो अस्पताल से फरार हो गया था, बाद में उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। कुलदीप फज्जा जो एक उस समय वक्त का बहुत नामी कुख्यात माना जा रहा था, कुख्यात अपराधी था, वो भी इसके साथ गिरफ्तार हुआ था, लेकिन वो जब फरार हुआ बाद में उसका एनकाउंटर हुआ और आज जब इससे
पेशी के लिए लाया गया तो इसकी हत्या कर दी गई। कुछ कनेक्शन क्या उधर से भी लग सकता है कि या आपसे रंजिश हुआ हो, गैंग वॉर हुआ हो? देखिए, कहना बड़ा आसान है या फिर कहना आप कह सकते हैं कि ये तार है बिना जांच के इस मुद्दे पर लगा दीजिए, लेकिन पुलिस के हाथ में क्या सबूत मिल गए या फिर पुलिस को देखना तब पूछता है कि चाहे गुरुवार हो या फिर पुलिस का इनकाउंटर हो, अगर अदालत परिसर में इस तरह की घटना घटती है वारदात को अंजाम दिया जाता है तो एक सवाल या निशान है और किसी भी अदालत के लिए और किसी भी पुलिस व्यवस्था के लिए किसी भी सरकार के लिए, तो ये चाहे दिलीप हो या फिर लोग होगी को मारा जाए, अगर आप क्राइम करते हैं और किसी को परेशान करते हैं तो इसका अंजाम जरूर होता है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर आप सुरक्षा व्यवस्था के लिए अगर दिल्ली के कोर्ट को अगर आप देखते हो तो क्या कौन व्यवस्था है, हर जगह नगर निरीक्षण लगा हुआ है, हर जगह सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, पुलिस तैनात रहती है, उसके बाद अगर आप अंदर जाते हैं तो इसकी जांच होती है और आपको वो तमाम चीजें रहते हुए इसके बाद भी अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो ये एक सवाल है और ये सवाल के लेकर के आपको ढूंढना पड़ेगा, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर सरकार हो, क्योंकि यहाँ पर तमाम आला अधिकारी जो यहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय के अंतर में आता है और उससे अगर आप इस तरह की अंजाम देते हो तो आप समझ सकते हैं कि और भी राज्यों के जो सिविल इलाके में राज्य है वहाँ की स्थिति क्या होगी और किस तरह से वहाँ पे काम किया जाएगा। तो सवाल यही बनता है और सवाल यही है कि अगर दिल्ली में बिल्कुल ये सवाल इसलिए भी उठ सकता है, देखिए जिस तरह से कोर्ट परिसर में हमला कर दिया गया अमर, आप देखिए वो पहले तो वकील के वेश में वो घुसे, वो कैसे हथियार अपने साथ लेकर गए और किसी को पता नहीं चल पाया, क्या तैनात जो सुरक्षा कर्मी थे वहां पर उन्हें भी भनक नहीं लग पाई कि वो हथियार लेकर घुस रहे हैं, या फिर ये इस बार कहा गया था जब कोर्ट की सुरक्षा को लेकर डिस्कशन बड़े लेवल पर हुआ था तो ये कहा गया था कि मेटल डिटेक्टर और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जिससे बाहर से अगर कोई हथियार लेकर अंदर आ रहा है तो यह पता चल पाएगा, सुरक्षा कड़ी की जाएगी, लेकिन यहां तो बड़ी तसल्ली से बड़े आराम से वकील के वेश में अपराधी आए, हथियार लेकर घुसे और कोर्ट परिसर में गैंगस्टर को मारकर चलते, और हालांकि उन्हें भी ढेर किया क्या है, लेकिन इस तरह से वारदात सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ तक मैं कोर्ट की, अगर आप दिल्ली कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लॉयर कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अगर आप देखें तो यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, हर जगह आपकी निगरानी के लिए पुलिस खड़ी हुई जी, परिसर में आप इन करते हैं तो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ होता है, एक मस्जिद से आपको गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर पुलिस जो जांच करती है उसके पास ही जो मेटल को पकड़ने के लिए यंत्र होते हैं कि आप उसको छुपा करके आप अंदर नहीं ले जा सकते, तो अगर ले जाते हैं या फिर पुलिस या किसी के देश में आकर जाते हैं तो कोई भी आपको। चलिए अमर बहुत बहुत शुक्रिया, तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खबर यह भी है कि जितेंद्र गोगी की हत्या करने जो तीन हमलावर आए थे वो भी शूटआउट में ढेर कर लिए गए हैं, यानी कुल मिलाकर चार लोगों की मौत हुई है कोर्ट परिसर में, और ये बड़ी खबर और ये खबर सवाल एक बार फिर खड़े कर रही है कोर्ट की सुरक्षा को लेकर। वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचे अपराधी और जितेंद्र गोगी पर गोलियां बरसा दी, हालांकि इस दौरान शूटआउट में जो हमलावर तीन हमलावर पहुंचे थे उन्हें भी ढेर कर दिया क्या, तो ये चार मौत रोहिणी कोर्ट परिसर में शूटआउट के दौरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।